नमस्कार साथियों, आज बात करने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने 1 लाख रुपए डोनेट करे हैं उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए जो कि परेशान हैं, जो कि घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, काम छूट गया है और उनके पास पैसे नहीं हैं। जी हाँ, अब आप बोलेंगे कि कहाँ डोनेट करें और सिर्फ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में होता क्या है। दरअसल आपको बताते हैं, पुणे के अंदर, यानी कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा कोरोना के जो केस है वो महाराष्ट्र में है, तो पुणे के अंदर क्या हुआ कि जो दिहाड़ी मजदूर थे उनकी रोजी रोटी जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। अब एक संस्था ने जिम्मेदारी ली कि जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं उन्हें वो खाना खिलाएगी और उनके लालन पोषण का पूरा ख्याल रखेगी। अब महेंद्र सिंह धोनी ने, उन्होंने, आप बोलेंगे कि रांची का रहने वाला व्यक्ति पुणे में क्यों दे रहा, तो उनका एक बड़ा कनेक्शन है, वो मैं भी आपको बताऊंगा क्या कनेक्शन है पुणे से। महेंद्र सिंह धोनी ने, ये फिर और जितने भी खिलाड़ी उन्होंने अपने अपने शहरों के रिलीफ फंड में तो पैसा जमा करा है, और महेंद्र सिंह धोनी ने इस संस्था को 1 लाख रुपए दिए। दरअसल इस संस्था का कहना है कि वो 1000 रुपए में एक व्यक्ति के लिए 14 दिन के खाने का इंतजाम करती है। इसी तरह से इसने 12 लाख रुपए की अपील की सोशल मीडिया पे कि मेरे को 12 लाख रुपए की जरूरत है, हमारे पास जितने मजदूर हैं उस हिसाब से। तो उसमें सबसे ज्यादा दान देने वाले महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 1 लाख रुपए दिए और 14 लोगों के लिए, 14 परिवारों के लिए 14 दिन के खाने का इंतजाम कर दिया। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने 1 लाख रुपए का दान दिया। अब आप बोलेंगे कि पुणे से महेंद्र सिंह धोनी का कनेक्शन क्या है। दरअसल आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने पुणे सुपर जॉइंट्स की तरफ से एक IPL खेला था, और धोनी की एक ही खासियत है कि वो जहां जाते हैं वहीं के लोगों के होकर रह जाते हैं, और उनका दिल जो है वो वहीं रह जाता है। और यही एक कारण है कि कैप्टन माही, कैप्टन कूल, ऐसे न जाने कितने ही नामों से, दरिया दिल धोनी, ऐसे कितने नामों से जो है धोनी को पुकारा जाता है, और वो हर बार जरूरत के समय पर लोगों के साथ खड़े होकर इस बात को साबित भी करते हैं कि धोनी अभी बदला नहीं है। जी हाँ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ।